गांधरबल जिले के रेजन इलाके में गुज़श्ते शाम उस वक्त कोहरा मच गया जब इलाके में अचानक मट्टी के तोड़े गिरने लगे और इस सानिया में दर्जनों रिहायशी मकानात, दुकानें और गांव खाना जमीन दोज हो गया। जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस को मकामी लोगों ने बताया कि गुज़श्ते चंद रोज के दौरान मुसलसल बारिशें होने की वजह से इलाके में जमीन खिसकने से रिहायशी मकानों को नुकसान पहुँचा है और कल शाम करीबन 6:30 बजे इलाके में भारी मट्टी के तोड़े गिरने लगे। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में कयामत बरपा हुई और लोग मकानों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ चल पड़े। इस तरह बरवक्त कार्रवाई करके मकामी लोगों को बचाया गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया और इस सानिया में इंसानी जानें ज़िया ना हुई। ताहम एक दर्जन के करीब रिहायशी मकानात और 8-9 दुकानें और एक गांव खाना मलबे के नीचे दब जाने की भी इतला है। इस बीच श्रीनगर कारगिल शाहरा पर भी मलबा जमा हुआ है और शाहरा को फिलहाल आमदोरफ्त के लिए बंद करना पड़ा। इधर जिला इंतजामिया, SDRF, पुलिस, CRPF, आर्मी और दीगर टीमें जाई वकू पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्रवाई में जुट गई। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासर कुमों को महफूज मकाम तक पहुँचाने के लिए मौसर इकदाम किए गए। अलावा अजीम मुतासर इलाके और कारगिल शाहरा पर से मलबा हटाने का काम भी शुरू किया गया है। पेश है जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस की ये खसूसी रिपोर्ट। ठीक है, आओ सा फिर परवेज अहमद भट्ट, हम रेजन का रहने वाला है। यहाँ पे कल 6 बजे लैंड स्लाइड आया है तो हम घरों में अपने अपने घरों में थे, बाहर से आवाज़ आया लैंड स्लाइड आया। जब हम बाहर आया तो ये पूरा पहाड़ी निकल के आ रहा था आगे आगे, तो जब हमने देखा करीबन 12 मकान, 8 दुकानें, बेड, बकरी, गाय पूरा मलबे के नीचे आया है। उस टाइम तो कोई नहीं आया, लेकिन अंधेरे में भी ये भी बोल नहीं सकेगा कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से तो उस टाइम कोई नहीं आया क्यों अंधेरे में पता भी नहीं चला है ना। पूरा ये पूछने पूरा खतरे में है, क्यों ये पूरा निकलने वाला है तो आप खुद देखो कितने चाहे इसमें ये नाली बन गए हैं, पूरा निकल के आएगा, इसमें पूरा गांव का खतरा है। जी मैं मोहम्मद शफी हूँ, मैं यहाँ SDRF कंपोनेंट का इंचार्ज हूँ। जो गोंड में नया कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया, ये लैंडस्लाइड आई है, मतलब अचानक आई है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें दिक्कत आ गई। मकान है इसमें जो इसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जितने भी लोग थे वो सेफ जोन में मतलब पहले ही भागे थे, तो उस वजह से तो यहाँ नफरी जो जितने भी हैं यहाँ के माल मवेशी यहाँ इनके और मकान जो बाकी जो जेवरात वेवरात है वो तो इनके मतलब इसी मलबे के नीचे दले हुए हैं। और ये कुछ मकाने भी हैं, कंक्रीट मकान थे, दो दो मंजिल के थे, दो दुकानें भी इसमें हैं, ये तो डैमेज हुए हैं इससे। तो कल से तो हम कल 5 बजे से लगे मतलब यहाँ काम पे, कुछ रात के लेट आवर्स तक हम काम करते रहे और सुबह सवेरे मतलब फिर हम नाइट को चले गए वापस, सवेरे यहाँ आए। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी कल से ही यहाँ पर पड़ी रही, जो भी मतलब यहाँ के मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी गांधरबल से आई है वो सब यहाँ थे, और तहसीलदार वगैरह साहब, हमारे SDPO साहब,
कंगन जो है वो किसान, तो इनको जितने लोगों के कहने से कि इनके पास क्या कितनी क्या प्रॉपर्टी थी है, लेकिन ऐसे मकाने बहुत सारे मकाने जो 4-5 मकानों के करीब करीब थे वो तो काफ़ी रोड के कोशिश कर रहे हैं अभी, मतलब यहाँ दरख्त वरख्त भी इसके साथ थे मलबे के साथ में, जिसकी वजह से तो काम तो अभी नहीं हुआ। अब तो हमने कटरों के साथ काटे हैं, अब JCB आ रहे हैं, बिकन वाले आए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं, तो देखेंगे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रोड क्लियर हो करेंगे। ये स्लाइड कल शाम को आई थी, कल रात से हम लोग यहाँ पे ही लगे हुए थे, 12 बजे तक हम आ ही रही थी धीरे धीरे करके इस साइड ऊपर से। अब ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं। बाकी जब मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे से आ गए थे कि यहाँ पे जो भी मशीन छोटी मशीन लग सके, जो सेव कर सकते हैं, जिनको रेस्क्यू कर सकते हैं, JCB हमारी जैसे लगी हुई है अभी रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ से भी वी लोडर और EX70 वहाँ उस दूसरे तरफ से भी लगे हुए हैं। वहाँ पे अखरोट का पेड़ जो भी आए हुए हैं उनको हटाते हटाते धीरे धीरे अब ऊपर आने की कोशिश करेंगे, और फिर इसके बाद जितने लोग हम लोग जो भी जानवर रेस्क्यू कर सकते हैं इसमें से, अगर रेस्क्यू कर सकते तो रेस्क्यू भी कर लेंगे हम लोग। जब अगर लोकल पॉपुलेशन साथ दें तो हम तो मशीन तुरंत लगा दें, तो थोड़ा सा लोकल पॉपुलेशन से है कि अगर वो हमारा साथ दे तो हम लोग इसको मशीन को लगा पाएँ जल्दी से जल्दी। अनफॉर्चुनेटली कल शाम को जो इंसिडेंट यहाँ वो लैंडस्लाइड हिट गया एट द रीजन प्लेस, जिससे काफ़ी सारा जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, मकान, 10 मकान और 4 काफी डैमेज हो गए, पर शुक्र है कि कोई सिविलियन लाइफ लॉस नहीं हुई है। और किसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF, आर्मी, सारी और लोकल वॉलंटियर्स ने उस वक्त स्टार्ट किया और अलग सुबह भी फिर से स्टार्ट किया। बाकी जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको कंपनसेट किया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए। वी आर वर्किंग ऑन द वारपेटिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको देख रहे हैं क्वांटम ऑफ द लूज ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्युमुलेट हुआ है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू।